जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय Very good evening to all of you. Thank you, sir. इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी मेरे सहयोगी व्याख्यातागण और प्यारे बच्चों, आप सभी का विशेष स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है, आज राष्ट्र अपना 76वां स्वाधीनता संग्राम मना रहा है और इस क्रम में ये जो भी आयोजन हो रहे हैं वो सब आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत पूरे देश भर में हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उसके माध्यम से अब तक की जो भी उपलब्धियां है हमारे 75 सालों की जो उपलब्धियां है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक उद्देश्य है इस अमृत महोत्सव का। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, देश ने बहुत कुछ अचीव किया है, उसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अभी बहुत कुछ अचीव भी करना है। तो जो कुछ भी हमने अचीव किया है, यदि आप भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के संबोधन को आप कभी पढ़े, उनके संबोधन को नाम दिया गया है ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। उस स्पीच को कभी आप देखिए, मौका मिले तो जरूर हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। उस टेस्ट ऑफ डेस्टिनी में क्या क्या बातें उन्होंने कही है, एक राष्ट्र जब स्वतंत्र हो रहा है उस अवसर पे हमारे देश के पास अनेकों ऐसी समस्याएं थी, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी उस दौर में कि एक जो विजनरी व्यक्ति है वही चीजों को ऐसे बड़े राष्ट्र को के लिए के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए अपना विजन प्रस्तुत कर सकता है, दे सकता है। एक तरफ देश विभाजन की तरफ विभाजन से ग्रसित था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और दूसरी तरफ देश में कुछ अन्य तरह की जो समस्याएं थी उसमें प्रमुख रूप से गरीबी, सामाजिक असमानता और निरक्षरता एक बहुत बड़ा इशू था। उस सबको कैसे पार पाना है, वो सारी चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, कहा है और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि उसको जरूर आप पढ़ें, एक बार जरूर देखें कि वहां से जर्नी शुरू हुई। बाकी सारे राष्ट्रों के लिए वो दिन या वो सुबह एक नॉर्मल डे और नॉर्मल मॉर्निंग की तरफ रहा होगा, लेकिन अपने देश के